अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज देसी ज़ायका विद अरूज के चैनल पे हम बनाएंगे ज़बरदस्त बम्बई स्टाइल में बम्बई बिरयानी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज बिरयानी हम किस तरह बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। अब हमने देशके में आयल डाल दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें अब हमने प्याज को ऐड कर दिया है। आपने आयल जो है या घी है उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है और प्याज की जो मकदार है वो भी इतनी होनी चाहिए। ये मैक्सिमम जो बिरयानी आज बन रही है ये 8 से 10 लोगों के लिए। इसके साथ ही हम दूसरी साइड पे रख लेते हैं पानी और पानी के अंदर डाल दिया ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग। इस पानी को हम बॉयल कर लेंगे और साथ ही देखें हम सलाद की तैयारी भी कर रहे हैं बहुत खूबसूरत स्टाइल के साथ। खीरे को काटा जा रहा है, ये देखिए हमारे सलाद की तैयारी भी साथ हो रही है। चावल भी साथ ही बॉयल होंगे और चिकन को भी हम साथ साथ ही तैयार करेंगे। तो चीज़ें हमारी जो हैं वो सारी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, बिरयानी जो है 8 से 10 लोगों के लिए बनाने के लिए आपके पास उतनी स्पेस का बर्तन होना चाहिए तो फिर बिरयानी जो है वो अच्छे तरीके से पकती है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, 1.5 किलो चिकन है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें नमक डाल दें 2 से 2.5 चम्मच और ये बिल्कुल नॉर्मल नमक होगा, इसका टेस्ट नॉर्मल होगा, इससे ज़्यादा भी आप नमक कर सकते हैं। अब साथ में ज़ीरा डाल दें, इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएं। बिरयानी के मसाले आप अपने हिसाब से भी तेज़ कर सकते हैं, हमने जो आपको दिखाने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों शामिल कर दें। अब साथ ही हम इसमें टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर आपके कम से कम जो हैं वो 7 से 8 होने चाहिए। टमाटर के पेस्ट में इसको अच्छे तरीके से भून लें। जितना ज़्यादा चिकन आपका भुना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब साथ में हम दही डाल रहे हैं 1 प्याली। बिरयानी मसाला डाल दें 1 पैकेट। ज़्यादा स्पाइसी करना है तो पर आप 1 के साथ 1/2 भी डाल सकते हैं। अब ये पानी हमारा जो है वो बॉयल होने को है, इसमें हम चावल डाल देते हैं
अब इसको हम चावलों को बॉईल कर लेंगे और इसकी एक कनी आपने ज़रूर रखनी है, बल्कि एक की बजाय आप डेढ़ कनी रखें ताकि आपके चावल जो हैं वो जब आप उसको बिरयानी की शक्ल में तय लगाएं तो फिर वो टूटने ना पाएं। तो इसमें आपने नमक भी ऐड कर लेना है अपने हिसाब से। अब ये देखें हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, इनको हमने छान लिया है टोकरी में और हमारा चिकन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे तरीके से भून लिया हमने। अब इसमें हमने ये इमली ऐड की है, इसको आप भगो के रख सकते हैं। अगर आपने इसको भगो के नहीं रखा, फिर आप पानी लें गर्म, थोड़ा सा उसके अंदर इसको डाल के थोड़ा सा पका लें तो ये इमली जो है ये मेल्ट हो जाएगी। तो हमने इमली शामिल कर ली है, आप इसके साथ आलू बुखारा भी शामिल कर सकते हैं, दोनों चीज़ों में से कोई एक शामिल कर लें। अब हमारा चिकन तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम देचके में बाकी जो है बचा के रखेंगे चिकन को और मसाले को। अब ये जो नीचे वाला मसाला है जो चिकन का, उसको हमने बड़े पतीले में डाल लिया है सबसे नीचे। फिर इसमें हम चावल डाल देंगे, ऑयल जो है चिकन का और उसका जो मसाला है वो अपने नीचे रखना है। इसके ऊपर ही फिर हम डाल देंगे चिकन, बहुत ही नाइस कलर चिकन का, बिल्कुल बम्बई स्टाइल में बम्बई बिरयानी। अब इसी के साथ ही फिर चावल डाल देंगे। इसमें आप इसके दौरान भी मसाला डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बिरयानी मसाला। अब हमने इसमें 7 आलू डाले हैं और आलू का कलर आप देख सकते हैं कि हमने आलू को बॉयल किया है जर्दा रंग में। थोड़ा सा आप चुटकी जर्दा रंग लें और आलू को काट के इनको बॉयल कर लें तो आलू का कलर ये आ जाएगा। इसमें हमने थोड़े से आलू भी डाले हैं, ये देसी जायका विद रूज का एक स्टाइल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आलू का कलर कितना प्यारा आया है। अब इसमें हम प्याज जो हमने ब्राउन की हुई थी वो हम डाल रहे हैं। अब हमारी बिरयानी जो है वो आखिरी मराहल पे है, अब इसमें हमने ऊपर सबसे ऊपर हमने लास्ट में लीमू का रस डाल देना है और पुदीना, साथ में हम थोड़ा सा जरदा रंग मिक्स करेंगे और वो भी डालते जाएंगे। आपने जर्दा रंग जो है वो फूड कलर में लेना है, वो थोड़ा सा डार्क होता है, उसका कलर अच्छा आता है। ये देखिए अब हमारी बिरयानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार है।
अब बिरयानी जो है वो हमारी तैयार है। इसको हलाने के दो तरीके हैं, एक तो आप चम्मच के साथ भी हला सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके ऊपर ढक्कन दें और ढक्कन देकर दोनों तरफ से कपड़े के साथ पकड़ें और उसको अच्छी तरीके से हलाएं, तो बिरयानी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। ये देखिए हमारी बिरयानी और इसका कलर वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत, नाइस, माशाल्लाह। अब हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है। साथ में हमने बनाया दही का रायता पुदीना और धनिया की चटनी के साथ। साथ में हमारी सलाद है। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये लीजिए हमारी बिरयानी एकदम से तैयार, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल के साथ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी हमारे देसी जायका बिदरूज के चैनल पे हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी लग चुकी है, आज हमने बम्बई स्टाइल में बिरयानी लगाई है। ये ले, ये हमारा सलाद हमारे चावलों के ऊपर भी, बिरयानी के ऊपर भी, और साथ में भी हमने सलाद को काटा है। हमारा रायता, साथ में ड्रिंक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है, तो चलिए अब हम खाते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी बिरयानी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।